विराज अगर फोटो लेती है ना तो मतलब हम देखते भी नहीं है, हम इतने कॉन्फिडेंट होते हैं कि फोटो अच्छा ही आया होगा। उसने कईयों को सिखा भी दिया पहले। सौरभ ने तो पूरा सीख गया। सौरभ एकदम हेतल जी की तरह फोटो लेता है, एकदम मस्त वाला है ना। एक इनके लिए सॉरी, इन्होंने भी चेंज नहीं किया, पेटीकोट पे नहीं दिखाना। नहीं दिखाना ना, आपने कहा है। नहीं, कम से कम मेरी नहीं पेटीकोट को तो इज्जत करो। लेकिन ये कुछ अदाओं के साथ बोलना चाहिए आपको। अभी आप मुंशी नहीं है। अब बोलिए मेरी नहीं तो। मेरी नहीं, कम से कम इस वस्त्र की तो इज्जत करो। महिला वस्त्र है, अंगवस्त्र है, अधोम वस्त्र। ये आप लेटे लेटे बोल रहे, फिर मेरा आपकी तरफ आना पड़ेगा क्या? नहीं, नहीं, आप बैठिए ना वहीं पे। नहीं नहीं, आप बोलिए। ये अंगवस्त्र नहीं, अधोवस्त्र है। एक गाना तो गा दीजिए, चीज लग रहा है अभी तो। आंखों पे छाया कैसा कोहरा, आंखों पे छाया कैसा कोहरा, कौन बादशाह कौन है मोहरा। तो चीज बड़ी है, मस्त मस्त आपके आपके लिए है। ये मेरे लिए आगे तैयार होके बैठिए। इनको साड़ी नहीं पहनना अभी, लेकिन इनकी ज्वेलरी देख लो भाई। आज तक सुरमनी को कभी ऐसा नहीं लगा। और गले का हार यार मुझे पहनना है, मुझे कभी नहीं मिला ऐसा। दुर्गा माँ वाली अंगूठी, ये है कर्ण आभूषण। ये आर्टिफिशियल वाला है। एंड दिस इज फॉर माय लेफ्ट हैंड। ओह ओनली इंग्लिश, ओनली इंग्लिश। आपके फियांसे ने गिफ्ट किया है? आपके फियांसे ने गिफ्ट किया है? ओनली गिफ्टेड बाय माय प्रोड्यूसर। ये ना मुंशी की तीसरी बीवी है, मैं बता रही हूँ। मुंशी नहीं। अच्छा गाइस, एक बात आपको बता दूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो, मुंशी जी जो है मतलब प्रेमचंद जी जो है, इनका भी यूट्यूब चैनल इन्होंने ओपन किया है। और जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दे रहे हैं, वैसा ही प्यार इनको भी दीजिए। और इनके चैनल को जाके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये बहुत ही नॉलेज वाली बातें वहाँ पर शेयर करते हैं, लाइक एक्टिंग बेस पे चीज़ें वहाँ पर शेयर करते हैं। तो आप लोग जाओगे तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो आप भी बोल दो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी एक्टर बनना है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लोग बड़े मिसगाइड हो जाते हैं बेचारे। कुछ लोग घर छोड़ के आ जाते हैं, कुछ लोगों के पैसे बर्बाद होते हैं, कुछ लोगों की पूरी लाइफ बर्बाद होती है। तो उस चैनल पे ना मैं स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि एक एक्टर बनने के लिए या एक्ट्रेस बनने के लिए पहले क्या करें, मुंबई आने की तैयारी कैसे करें, मुंबई आने के बाद क्या करें, सफलता कैसे पाएं। मतलब दोनों चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। एक्चुअली मुझे भी ये सवाल आप लोग बहुत करते हैं, लेकिन अगर मैं कभी बताऊंगी इस बात, मतलब मैं कभी अगर इस बारे में ब्लॉग बनाऊंगी तो मैं बहुत ही अपने तरीके से बनाऊंगी। लेकिन क्योंकि प्रेम की जो है ये थिएटर से है और इन लोगों की नॉलेज अलग लेवल की होती है, तो ये स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो आई थिंक आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होगा ये है। और बाकी एंटरटेनमेंट के लिए इनका चैनल है। हाँ मधुश्री शर्मा एंटरटेनमेंट। भाई मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने की, फिर भी लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते ज्यादा। जो लोग नहीं करते कर दो ना सब्सक्राइब, क्या बिगड़ता है आपका। हाँ ना, मैं तो कोशिश कर रही हूँ ना। ये थोड़ी मस्ती मूड में है। तैयार होने को मैं तो सोच रही तैयार होकर बैठे रहेंगे और ये अभी तक वैसे ही बैठे हैं। शर्म नहीं आती कर मुई ब्लाउज पहन के बैठी हो, पेटीकोट भी है। पेटीकोट भी है, कह रहे हैं कि इस वस्त्र का लाज रखो। मतलब मेरे सामने पेटीकोट पहन के बैठे, तब तो इनको शर्म नहीं आ रही है, लाज बड़े रखवा रहे हैं।
अच्छा पहले जब मैं आई ना ऐसे जैसे लड़के बैठते ना ऐसे पैर करके बैठे थे, मैंने बोला भाई थोड़ी लड़कियों जैसी बैठो, तब इन्होंने ऐसे बैठा। अभी अभी एक टिप्स ले लो, एक्टर बनना है तो लाज छोड़ दो, शर्माना छोड़ दो। एक गाने की तरह से बोलो ना, लाज शर्म छोड़ो। एक्चुअली कैरेक्टर में जानते तो ये वहां से बोल के क्या मतलब बैठ के क्या बोल। एक्चुअली ये जब बगल में एक मर्द आ गया, कैरेक्टर के कैरेक्टर जब ये बनते हैं कैरेक्टर में तो कैरेक्टर लेस हो जाते हैं। थैंक यू। तो बहुत ही कैरेक्टर लेस हो मुंशी, तुम्हें कोई हक नहीं बनता, तुम ऐसे कैरेक्टर लेस बनो। ऐसा लगता है आप लोगों को, क्या मैं चरित्रहीन हूँ? अगर बिहारी बाबू ने बोला है तो कुछ सोच के बोला होगा। आई ट्रस्ट बिहारी बाबू, वफादार हूँ मैं। ये बंदे पे तो भरोसा कर नहीं सकती, इन्होंने देख लो अपनी हरकतें। देखो क्या था, हमारी दोनों बीवियों को ना खूबसूरती पे बहुत कुछ नहीं दोस्तों, ये यही अपनी लाइफ है। एक्चुअली हम सीरियल में भी काफी लोग बोल रहे थे कि सौरभ का ट्रैक क्यों खत्म कर दिया, सौरभ क्यों निकल गया। एक्चुअली कोई एक्टर निकलता नहीं है, ये राइटर के ऊपर है वो क्या लिखते हैं। और राइटर भी एक शो को चलाने के लिए कुछ सोच के चीजें लिखते हैं, वो हर एक वो फ्लेवर देने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों को पसंद आए, तो वो भी उतनी मेहनत करते हैं। और हम जो है ना एक कठपुतली टाइप के होते हैं, हम सिर्फ उसको फॉलो करते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर करते हैं उसमें अपना जान देने की कोशिश करते हैं उसको रियल में। कलाकार मतलब पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस पात्र में डालो उस पात्र के जैसा हो जाता है, जिसमें मिला दो उस रंग जैसा। अच्छा गाते हो, पानी रे पानी। आज तक कभी आपने मेरे लिए नहीं गाया? मैं अच्छा गाता हूँ, ये लोग तो मेरी खिल्ली उड़ाते हैं। ये लोग उड़ाते हैं ना, लड़कियों के सामने गाया करो, लड़कों के सामने गाओगे तो क्या होगा। बड़े होकर भूटान के बहुत बड़े सिंगर, ये बड़े होकर भाई साहब भूटान के बहुत बड़े सिंगर बनने वाले हैं। बड़े होके भाई और कितने बड़ा होना है? उम्र कितना है अभी? 55-60 उम्र क्या है अभी? अरे बाई टू, 60 बाई 2 बोल रहा हूँ पूरी बात। मिस्टर बिहारी, औरतों की उम्र और उनके कमर के बारे में कमेंट नहीं करते। मैं क्या बोलूं, मुझे ऐसा लग रहा है वो फीलिंग आ रही कि रजिया गुंडों में फंस गई। ये मुझे समझ में नहीं आ रही, ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के ले रहे हैं कि मेरे ले रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये कारसाजी बहुत है। वैसे इन दोनों में बहुत याराना है, दोनों एक ही जगह पे रहते हैं आसपास, दोनों एक दूसरे के सुख दुख में मिलते रहते हैं, एक ही गाड़ी से आते हैं, एक ही गाड़ी से आते हैं। सोचो ये गलत बोल गई, याराना नहीं दोस्ताना है। देख लो ये सबूत है मेरे चैनल पे, मैंने कुछ नहीं बोला है, ये सब ये लोग खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली वो जिस कैरेक्टर में गए तो आगे वो कैरेक्टर लेप हो गया है। एक्चुअली देखो बिहारी बाबू थोड़े अंधेरे में है, उधर लाइट प्रॉपर जा नहीं रही है, इसके लिए थोड़ा सा अंधेरा ज्यादा है उनकी तरफ। हाँ ऐसे रहिए, ऐसे रहिए। मेरा कहना ये है कि भाई साहब कैरेक्टर में आए हैं तो कैरेक्टर लेस हो गए हैं। एक्चुअली दोस्ताना याराना कुछ टांगे नीचे करो, दिख रहा है। बड़े भाई छोटे भाई का संबंध है। पायल दिखा दो, पायल दिखा दो आपके। आप पेटीकोट नहीं दिख रहा आपका? अरे जो दिखता है वही बिकता है, तो पेटीकोट बिकेगा सब। नीलाम करूंगा अच्छी चैनल पे। क्या क्या है कहते, जो दिखता है वो बिकता है, तो मतलब पेटीकोट खूब बिकेगा। अभी पेटीकोट की दुकान खोलेंगे इस ब्रांड की। जब जी हाँ, जब भी पहने मुंशी पेटीकोट, जी हाँ जनता की मांग पर आपके शहर में मुंशी पेटीकोट, दो दिन औरत पहने मर्द पहने। दिल में ना रखे कोई भी खोट पहने। एक्चुअली शूटिंग पे आने का मजा यही होता है जब सब लोग साथ में होते हैं, इतनी मस्ती हम करते हैं, और फिर बिहारी जी आ जाते हैं तो मतलब चांद लग जाती है, समझे। तो आगे फिर हम फाइनली ये जो छम्मक छल्लो है तैयार हो जाए तो फिर मैं दिखाऊं आप लोगों को, है ना।